हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव डन द फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द प्रीवियस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब्स। व्हाट इज एडवर्ब्स? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। जो शब्द वर्ब और एडजेक्टिव, जो शब्द क्रिया अते विशेषण की विशेषता दसे उसनू एडवर्ब कहा जाता। डेफिनेशन एक बार फिर रिपीट करांगे। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स केयरफुली। ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है ये एडवर्ब है, जो वर्ब वॉक्स की विशेषता दस रहा। ही वॉक्स केयरफुली। ही सब्जेक्ट प्रोनाउन, वॉक्स वर्ब एंड केयरफुली एडवर्ब। इसी तरह ही सेकंड सेंटेंस, द फ्लाइट रीच्ड लेट। इस सेंटेंस के विच जो लेट वर्ड है ये एडवर्ब है। इसी तरह ही थर्ड सेंटेंस, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। डेफिनेशन के विच भी असीं यही रीड किया कि जो शब्द वर्ब एंड एडजेक्टिव की विशेषता दसता उसनू एडवर्ब कहा जाता। इस लास्ट सेंटेंस दे विच जो ऑनेस्ट वर्ड है ये एडजेक्टिव वर्ड है, जो अंडरलाइंड वर्ड है वेरी ये एडवर्ब है। सो इन तीनों सेंटेंस दे विच जो अंडरलाइंड वर्ड्स ने ये सारे एडवर्ब्स ने। फर्स्ट सेंटेंस दे विच केयरफुली, सेकंड सेंटेंस दे विच लेट एंड थर्ड सेंटेंस दे विच वेरी। ये सारे ही वर्ड्स एडवर्ब्स ने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच प्रेपोजिशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन प्रेपोजिशंस। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सनस। जो शब्द दो व्यक्तियां जां दो वस्तुओं के विचकार कोई रिलेशन पैदा करता उस वर्ड नूं असीं प्रेपोजिशन कहिंदे हां। जिस तरह एक बार डेफिनेशन फिर रिपीट करांगे। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सनस। ये जो थ्री सेंटेंस दिते गए हुए ने इन्हां एग्जाम्पल तो तुहानूं प्रेपोजिशन की जो कंसैप्ट है उस बारे होर क्लीयर हो जाएगा। जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ राइटिंग विद द जैल पेन। इस सेंटेंस दे विच जो विद वर्ड है ये प्रेपोजिशन है। इस तरह ही सैकेंड सेंटेंस दे विच, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। इस सेंटेंस दे विच जो इन वर्ड है ये प्रेपोजिशन है। अगे थर्ड सेंटेंस, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। इस सेंटेंस दे विच ऑन जो वर्ड है ये है प्रेपोजिशन। सो जो ये तीनों सेंटेंस दे विच अंडरलाइंड वर्ड्स ने ये प्रेपोजिशंस ने। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। दे हेल्प अस इन जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेसेस, क्लॉजेस एंड इवन सेंटेंसेस। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। दे हेल्प अस इन जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेसेस, क्लॉजेस एंड इवन सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, ये सेंटेंसेस, जिम एंड सीमा आर गुड फ्रेंड्स। इस सेंटेंस के विच जो एंड वर्ड है जिसनों अंडरलाइन किया गया ये वर्ड कंजक्शन है। इस तरह ही सैकेंड सेंटेंस के विच,
ही रैन फास्ट बट कुड नॉट रीच द बस। जो बट वर्ड है ये कंजक्शन है। अगे ऑल्दो ही इज़ हैंडीकैप्ड येट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। इस सेंटेंस दे विच दो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए ने, फर्स्ट ऑल्दो एंड सैकेंड येट। ये दोनों वर्ड्स कंजक्शंस ने। नैक्सट वी विल स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शंस। द वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इस तरह के वर्ड्स ने जो साड़ी फीलिंग्स नूं एक्सप्रेस करते हैं, जो साड़ी फीलिंग्स नूं बयान करते हैं, उन्हां वर्ड्स नूं इंटरजेक्शन वर्ड्स कहा जाता। जिस तरह इस एग्जाम्पल तो तुहानूं क्लीयर हो जाएगा, अलास ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी इन गैम्बलिंग। इस सेंटेंस दे विच जो अलास वर्ड है वो इंटरजेक्शन है। इन्हां सेंटेंस दे विच ये जो एक्सलेमेशन साइन यूज किया जाता, ये जो तुहानूं एक्सलेमेशन साइन दिस रहा ये अक्सर ही इन्हां सेंटेंस दे विच यूज किया जाता। अलास ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी इन गैम्बलिंग। इस सेंटेंस दे विच जो अलास वर्ड है ये इंटरजेक्शन है। इस तरह सैकेंड सेंटेंस दे विच हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वर्ड इंटरजेक्शन। लास्ट सेंटेंस ब्रेवो वेल डन, ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स ने ये सारे ही वर्ड्स इंटरजेक्शंस ने। स्टूडेंट्स आई होप यू विल हैव क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।